चार्ज किए 4,011 किलोमीटर चली मेक इन इंडिया बाइक, कन्याकुमारी से लद्दाख तक पहुंच गया और बनाया नया रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, बता दें नया इलेक्ट्रिक बाइक आ चुका है जो कि 4,011 किलोमीटर तक बिना चार्ज किए ये गाड़ी चल चुका है। आइए जानते हैं दोस्तों कैसे चला बिना चार्ज किए हुए, और मेक इन इंडिया बाइक जो है कौन सा बाइक लॉन्च किया गया है, कैसे आप खरीद सकते हैं, फ्री में टेस्ट राइड भी दे सकते हैं, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले गाड़ी का फर्स्ट लुक देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे कैसे टेस्ट राइड लेना है, कैसे इसको आप खरीद सकते हैं, सब कुछ डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले गाड़ी का एक फर्स्ट लुक देख लीजिए, ये रेड कलर का गाड़ी देख सकते हैं, रेड इन ब्लैक बोल सकते हैं। देख सकते हैं आगे में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, पीछे में बड़ा सा जो है हब माउंटेन मोटर यहाँ देखने को मिल जाता है। बात करें तो यहाँ पे क्वांटा लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये ग्रैप्टन क्वांटा इलेक्ट्रिक बाइक है जो सबसे मजबूत है, भारत का मेक इन इंडिया है। मोदी सरकार का जो मेक इन इंडिया का जो ख्वाहिश था दोस्तों, ये यहाँ पे पूरा कर रही है, ये बाइक पूरा जो है वहाँ पे पूरा करने में सक्षम है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्टैंडर्ड गाड़ी है, बहुत ही मजबूत गाड़ी बनाया गया है। इस जगह में जो है बैटरी को यहाँ पर यूज किया गया है। तो मेक इन इंडिया की तरफ से ग्रैप्टन क्वांटा लॉन्च हो चुका है, आइए इसके बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3 किलोवाट की मोटर का यूज किया गया है और 172 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है। इस बाइक में आपको 3 राइडिंग मूड मिल जाएगा, पहला है सिटी मूड, दूसरा स्पोर्ट मूड है, और तीसरा आपको इको मूड मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 3 मूड यहाँ पे मिल जाएगा, तीनों मूड में आपको अलग अलग यहाँ पे जो है माइलेज देखने को मिलेगा जो हम लोग आगे जानेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, तो हैदराबाद की इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी ग्रैप्टन मोटर्स ने एक इलेक्ट्रिक बाइक अनोखा और शानदार रिकॉर्ड बनाया है, जिसके बारे में जान करके आपको आश्चर्य होगा। कंपनी के क्वांटा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ने 4,011 किलोमीटर तक का सफर कर एक समय में पूरा जो है कर दिया है और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वहीं कंपनी के मुताबिक इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्याकुमारी से लेकर खारदुंगा यानी लद्दाख तक की दूरी जो है 164 घंटे 30 मिनट यानी 7 दिन में जो है 7 दिन से कम समय में पूरी कर ली है। इन आंकड़ों की तरह जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस बाइक जो है एशिया में नाम जो है दर्ज करवा लिया है, ये काफ़ी अच्छा है, पूरा यहाँ पे जो है रिकॉर्ड बना लिया है पूरा एशिया का। आगे बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में, तो बिना बैटरी चार्ज किए तय की दूरी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के मुताबिक यह राइड जो है कन्याकुमारी से 13 सितंबर 2021 को शुरू हुई थी और 20 सितंबर 2021 को खारदुंगा लद्दाख तक पहुंच गई। वहीं बात करें तो बात करें इस यात्रा में जो है खास बनाती है कि यह जो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है कहीं भी जो है बैटरी चार्जिंग करने के लिए नहीं रुका है। कंपनी के मुताबिक टीम ने बिना किसी चार्जिंग स्टॉप के यह दूरी तय कर लिया है, क्योंकि बाइक स्वैपेबल बैटरी तकनीक पर काम करती है, यानी कि बैटरी डिस्चार्ज होने पर उसे बदल करके चार्ज वाला बैटरी लगा दिया जाता था और चार्जिंग में लगने वाले समय को जो है बचाया गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें चार्जिंग में समय लगने वाला इसलिए बचाया गया है कि कंपनी जो है बहुत सारे जो है स्वैपिंग लगाइए, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाइए, जैसे पेट्रोल पंप होता है वैसे बैटरी स्वैपिंग लगाइए। तो जैसे ही बैटरी डाउन होता था दोस्तों, बैटरी जो है चेंज कर लेती थी गाड़ी और वहाँ पर जो है बिना चार्ज किए ये रिकॉर्ड बना लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो 320 किलोमीटर की मिलेगी रेंज। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस बाइक में 3 किलोवाट की मोटर का यूज किया गया है जो कि 172 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में आपको 3 राइडिंग मूड मिल जाता है जो कि पहला सिटी मूड है, दूसरा स्पोर्ट मूड और तीसरा आपका इको मूड मिल जाता है। ग्रैप्टन मोटर्स की यह बाइक जो इको मूड में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वहीं बात करें तो डुअल बैटरी के साथ इसे आप 320 किलोमीटर तक की लंबी दूरी से तय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें सिंगल बैटरी ये गाड़ी जो है 150 किलोमीटर की रेंज देती है, जबकि डुअल बैटरी वाला 320 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी के बारे में। अब इस गाड़ी के बारे में हम लोग आगे जानेंगे दोस्तों कि कैसे इसको बुक करना है, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे, उसके बाद इसके प्राइस के बारे में जानेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आपको इसके वेबसाइट में चले जाना है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से इनके वेबसाइट में आ जाएंगे, ग्रैप्टन के नाम से देख सकते हैं इनका वेबसाइट है, यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे एक बाइक भी दिखाया गया है, जो इनका बाइक आने वाला है ये भी यहाँ पे दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैप दिखाया गया है, मैप आपको देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है, कन्याकुमारी से 4,011 किलोमीटर जो कंपनी दूरी तय की है वो दिखाया गया है, खारदुंगा यहाँ पे जो है लद्दाख का दिखाया गया, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे।
बात करते हैं तो 160 किलोमीटर का रेंज देता है इको मोड में, जबकि बता दें सिटी मोड में 110 किलोमीटर का रेंज देगा और स्पोर्ट मोड में 85 किलोमीटर प्रति घंटा की यहाँ पे आपका रेंज देने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों तो जो रिकॉर्ड बनाई है वो वेबसाइट में डाला गया है। देखिए अबाउट ईवी रिकॉर्ड कन्याकुमारी टू खारदुंगा लद्दाख 6.5 दिन में। जी हाँ दोस्तों बता दें, देख सकते हैं 4,011 किलोमीटर दूरी तय की है। 9 स्टेट यहाँ पे 11 स्टेट यहाँ पे जो है सो इन्होंने तय किया है। इवोल्यूशन ग्राइंड की बात करें तो 18,000 फीट इन्होंने जो है गाड़ी को जो है ऊपर चलाया है। वहीं बात करें ट्रिप फॉल फ्यूल कॉस्ट की तो मात्र 400 रुपये का यहाँ पे जो है इनका जो है चार्जिंग करने का कॉस्ट आया है। डेज की बात करें 6.5 दिन में जो है इन्होंने 4,011 किलोमीटर तय किया है। देख सकते हैं ये गाड़ी है और इसी रोड में जो है तय किया गया है, इस तरह के चढ़ाव में जो है चढ़ाया गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं गाड़ी इतना मजबूत है कि जो है दोस्तों आपको 1800 फीट तक ऊँचा जो है गाड़ी चलने में बिल्कुल सक्षम है। गाड़ी का देखिए फर्स्ट लुक यहाँ भी दिखाया गया है। गाड़ी जो है क्वांटा भी यहाँ पे स्टेशन पे चार्जिंग के लिए खड़ा है। इस तरह का चार्जिंग स्टेशन भी बहुत जगह लगाया हुआ है जहाँ से गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो इनका कुछ दिखाया गया है, जैसे कि बैटरी देख सकते हैं, रूम में बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं। वहीं बात करें तो ऑर्डर बैटरी लोकेशन देख सकते हैं कहाँ से जो है बैटरी आपको लेना है स्वैपिंग, और स्वैपिंग बैटरी स्टेशन कुछ इस प्रकार से कंपनी ने लगाया है बहुत सारे जगह पर, तो उसका जो है लोकेशन आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। वहीं बात करें दोस्तों तो क्वांटा के परफॉर्मेंस के यहाँ पे बात किया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ सस्पेंशन बताया गया है, व्हील है, उसके बाद टर्नेट यहाँ पे 17 लार्ज लिखा हुआ है। हाई ट्राइड यानी 250 किलो तक का कैपेसिटी है यहाँ पे लोडिंग लेने का, 250 किलो तक का इसमें जो है लोड लेकर के चल सकते हैं, ये भी कंपनी यहाँ पर बताया है। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया दोस्तों पावरफुल BLDC हब मोटर लगाया गया है, जो कि ये मोटर है देख सकते हैं कितना मजबूत मोटर जो है कंपनी ने इस गाड़ी में लगाया है, इसीलिए जो है इतना दूरी तय कर पाती है आसानी से। आगे बात करते हैं तो मोबाइल से जो है ग्रैप्टन क्वांटा को जो है बुक कर सकते हैं, या फिर आप बैटरी को देख सकते हैं कि कहाँ से बैटरी हमको चार्ज करना है, ये सारा कुछ आप मोबाइल से ही देख सकते हैं। बैटरी स्टेशन स्वैपिंग क्वांटा गाड़ी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ऊपर से इनका पिक्चर लिया गया, ऊपर से कुछ इस प्रकार से लगता है देखने में। वहीं बात करें दोस्तों तो क्वांटा का डिस्क ब्रेक देख सकते हैं कितना मजबूत डिस्क ब्रेक लगाया गया है, काफ़ी हेवी डिस्क ब्रेक लगाया गया है इस गाड़ी में। यहाँ भी डिस्क ब्रेक देख सकते हैं, ये पीछे वाला डिस्क ब्रेक है। उसके बाद सस्पेंशन सिस्टम देख सकते हैं, शॉक एब्जर्बर सस्पेंशन सिस्टम लगाया गया है, काफ़ी मजबूत गाड़ी है। टायर भी देखिए कितना मजबूत इन्होंने बनाया है। वहीं बात करें दोस्तों तो पोल्यूशन मेड इन भारत यहाँ पे देख सकते हैं, तो मेड इन इंडिया में जो है काफ़ी फिट ये गाड़ी बैठता है, बिना पोल्यूशन को जो है ये कर रहा है। वहीं बात करें तो एशिया द्वारा जो है रिकॉर्ड यहाँ पे बना चुका है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बना चुका है ये गाड़ी, जो आपको बताएं 4,011 किलोमीटर तक चली है उसका रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, उनका सर्टिफिकेट यहाँ पे मिला है, तो सर्टिफिकेट देख सकते हैं ये गाड़ी को मिला है। तो गाड़ी देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी है दोस्तों, क्वांटा गाड़ी बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। अब आप इसको बुक भी कर सकते हैं, लेकिन बुक करने के पहले यहाँ बता देते हैं कि इनके कंपनी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इनके मेल कर सकते हैं, ये 2 मेल है और एक आपका इनका फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो जैसे होगा वैसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आगे बात करते हैं इसको बुक कैसे करना है, तो बुक करने के लिए रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 1,15,000 रुपये में अवेलेबल है। चलिए तो बुक करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो बुक करने के लिए रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे विंडो खुल जाएगा। देखिए कंपनी जो है कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, जैसे कि आपको बताए थे कॉन्टैक्ट अस के यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होगा, नाम भरना होगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और मैसेज करना होगा। मैसेज में लिखना होगा कि गाड़ी जो है आप खरीदना चाहते हैं या टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं। इतना करने के बाद आपको जो है सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद जो है रिक्वेस्ट कंपनी के पास चली जाएगी, कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको जो है सो गाड़ी भेज देगी। वहीं बात करें तो आप डीलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डीलरशिप के लिए भी जो है उसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो नंबर आपसे दिया वहाँ जो बताया गया था, या फिर नीचे भी बताया गया वही नंबर पर कॉल करके डीलरशिप के लिए भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए गाड़ी के बारे में और भी हम लोग यहाँ पे प्राइस देख लेते हैं। इस स्कूटर की कीमत की बात किया जाए दोस्तों तो 1,09,741 रुपये ऑन रोड दिल्ली में प्राइस है, और इसको बताया था डाउन पेमेंट के बाद आपको जो है 11,000 डाउन पेमेंट देना होगा। 11,000 डाउन पेमेंट देने के बाद 98,741 रुपये का लोन लेना होगा, जिसमें 9.7% के हिसाब से ब्याज यहाँ पर लागू होगा और 3 साल तक यहाँ पर चुकाना होगा।
तो 3 साल तक आपको ईएमआई की बात किया जाए दोस्तों, तो ईएमआई मात्र 3541 रुपये आपको चुकाना होगा। वहीं बात करें तो ईएमआई जो है 5 साल के लिए भी आप करवा सकते हैं, उससे आपका जो है लोन जो है काफ़ी कम पड़ेगा। और आपको बता दें इसमें डाउन पेमेंट 28,735 देना होगा। तो अगर आप 3 साल के लिए लेना चाहते हैं तो मात्र 11,000 डाउन पेमेंट देकर 3541 रुपये देना होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।